हेलो दोस्तों, जय माता दी। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है, सुबह की पूजा भी हो गई है मेरी। तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला मंदिर चलते हैं, तो मैंने कहा चलो, अभी टाइम है, 10 बज गए हैं सुबह के और मेरी घर की पूजा हो गई है, तो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। तो ये दोस्तों यही है वो पीली साड़ी, इसे पहनने का मौका मुझे आज मिला है। मतलब मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपनी फूल दही वाले दिन, और आज पहनी मैंने ये साड़ी। तो बताइएगा कमेंट करके ये साड़ी आपको कैसी लग रही है। तो अब मिलेंगे हम आपसे माता जी के मंदिर में। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं माता रानी के मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ मंदिर। तो हम आ गए हैं संतोषी माता जी के मंदिर में। ये देखिए मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं। ये है सिद्धपीठ संतोषी माता मंदिर। तो हमने यहाँ कर लिए हैं दर्शन। देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ शांति है। दर्शन कर लिए मैंने और कुछ फ़ोटो भी खिंचाए अपने हस्बैंड से, और अब हम जा रहे हैं घर। ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे। और मंदिर से आने के बाद यहाँ मैं पी रही हूँ नारियल पानी। ये है नारियल की दुकान, नारियल वाले भैया। और इधर ये देखिए पूरी नदी है, पहाड़। और ये नारियल पानी ना मलाई वाला है ये नारियल। और अब इसकी ना वो काट के मलाई निकाल रहे हैं। देखिए नारियल काट दिया उन्होंने, अब निकालेंगे मलाई। और ये निकली ऐसे मलाई। और मैंने भैया को बोला ना इसे पोलोथीन में रख देना, मैं घर में खा लूँगी। और हम आ गए हैं घर मंदिर से दर्शन करके। अब मैं आ गई हूँ घर, और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, मतलब बहुत तेज धूप हो रही, गर्म हो रहा बहुत। अब और हम करेंगे नाश्ता। तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद अब मैं करूँगी नाश्ता। अपने हस्बैंड को तो दे दिया मैंने नाश्ता, अब मैं करूँगी नाश्ता। वैसे तो मैंने नारियल पानी पी लिया था, फिर भी दो रोटी खा लेती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको नाश्ते में क्या खा रही हूँ। तो ये है मेरे नाश्ते की प्लेट। ये है रात का पनीर बचा हुआ, ये है बीन्स आलू की सब्जी, और ये है दो रोटी। तो अब हम करेंगे नाश्ता। और यहाँ ना मेरी बड़ी बेटी ये पता नहीं आज कुछ नया ट्राई कर रही है, कह रही है वायरल चटनी है, इंस्टाग्राम में चल रखी है। मेरे भाई ने मुझे वीडियो भेजी थी, मैं वही बनाने का ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा बना लो बेटा कुछ नया। और मैंने नाश्ता कर लिया है, अब बनाऊंगी मैं दिन का खाना। तो अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ, दाल भात और सब्जी बनाएंगे। देखते हैं क्या सब्जी है फ्रिज में, अभी वही बनाऊंगी। और यहाँ बेटी ना चटनी की फुल जोश में तैयारी कर रही है। अब रिजल्ट कैसा आएगा मैं दिखाती हूँ आपको। हम काटेंगे प्याज के लिए। अच्छा वाओ, अब यहाँ ये प्याज काट रही है। देखिए हम इसके ऊपर के छिलके निकाल देंगे जब ये गल जाएंगे, तो ऐसे। वाह। और यहाँ ना एक एक करके बेटी ने सारे छिलके चिमटे की सहायता से निकाल दिए। अब इसे ठंडा होने देंगे। इसमें ना लहसुन भी डाला है इसने, ये तो देखते हैं भैया। और यहाँ पे ये प्याज चॉप कर रही है, और हरा धनिया भी ले आई है खेत से तोड़ के। ये और ये है प्याज चॉप कर लिया है, हरी मिर्च, हरा धनिया। और इस टाइम के हरी मिर्च तो ऐसी है कि इसमें मिर्ची लगी नहीं रही है बिल्कुल, जितनी भी काट लो आप। तो थोड़ी लाल मिर्च भी डालेगी ये पिसी हुई। इसको मैश कर रही है ये हाथ से, और दो चार ना इसमें काली मिर्च वो करनी है, मतलब डालनी है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ क्योंकि पाउडर तो है नहीं, तो इसे ईमानदस्ते में कूट लेंगे। प्याज, ये प्याज मिला रही है इसमें मैश करके। अभी ना हमने दो तीन, मतलब दो या दो टमाटर की बनाई है ये
ट्राई करने के लिए, अच्छी बनेगी तो फिर बाद में और बनाएंगे। स्वाद अनुसार मिला देंगे इसमें नमक, नमक डाल दिया है। अब क्या मिलाना है इसमें, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर मिला दिया पिसा हुआ, ये लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा दोस्तों मिर्च का पाउडर ना, दो तीन काली मिर्च डाल दी, पूरा मत डालना बेटा तेज हो जाएगा, तो थोड़ा सा डालेंगे बस, बस बहुत ज़्यादा ही हो गया लग रहा मुझे तो। और इसमें निचोड़ देंगे नींबू का रस, ये देखिए इसमें एक नींबू निक गया, और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी बनेगी तो फिर बाद में हम ढेर सारी बनाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ चखने के लिए बनाई है। ये देखिए चटनी बनके हो गई है रेडी, ये देखिए अब खा के टेस्ट पता चलेगा इसका। और ना जीरा पाउडर डालना भूल गए तो अब डाल ली बेटी, भुना हुआ जीरे का पाउडर, अब इसको मिला देंगे और चटनी हो गई हमारी रेडी। और ये है दोस्तों मलाई, तो मलाई से निकलवा के अब हम इसे खाएंगे। ये जो नारियल की मलाई लाई थी ना मैं, अब खाती हूँ उसको, दाल चढ़ा दी मैंने कुकर में, अब मैं खा रही हूँ मलाई, टेस्टी हो रही है। तो इसमें बन गई है मेरी अरहर मसूर की दाल, और यहाँ बन डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च की सब्जी, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी दाल भात के साथ। तो शाम का टाइम है, हम आए थे दूध लेने मगर वो थे नहीं अपनी छन्नी में, तो हमने कहा थोड़ा घुमाते हैं तब आके दूध ले लेंगे हम। और यहाँ गेहूँ कट रहे हैं, और ये खेत उन्हीं का है ना जहाँ हम दूध लेने आते हैं, तो वो तो गोट में थे नहीं, हमें पता नहीं था वो दूध यहाँ पे आ रखे हैं गेहूँ काटने, और हमें यहाँ मिल गए वो। ये देखिए मरम्मत चल रही है, तो ये देखिए ये काम हो रहा है नहरों का, इसलिए पानी भी नहीं आ रहा नहर में। तो दूध लेके भी आ गई मैं, अब बनाऊंगी मैं रात का खाना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।